हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, पॉलिनोमियल कहते हैं जिसको, और उसकी एक्सरसाइज 2.4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। 2.4 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, हम प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जिसमें लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसका मतलब होता है कि हमें इन चारों के चारों पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, इन चारों के चारों पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं। हिंदी में कहते हैं इन बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। अब क्योंकि ये आपके पास द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसलिए इसके दो गुणनखंड होंगे। इसकी घात, इसकी डिग्री 2 है तो इसके भी दो गुणनखंड होंगे। इसकी घात 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो इसलिए इसके भी दो गुणनखंड होंगे। इसकी डिग्री भी 2 है तो इसके भी कितने फैक्टर्स होंगे? 2। तो सभी के दो दो फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो फैक्टर्स या गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है वो आप देखेंगे जरा। यहां पर पहला क्वेश्चन आप देख ले जरा ढंग से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, 2x² - 7x + 1। ठीक है, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 1। तो पहले इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर्स निकाल के दिखाता हूं। तो क्वेश्चन में लिख लेता हूं पहले, ये है 12x² - 7x + 1। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? सबसे पहला काम क्या होगा आपका, ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप देखें कि यहां पर जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशियंट क्या है? 12। गुणांक क्या है? 12। और ये लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, वो क्या है? 1। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, उसको लास्ट में जो ये कांस्टेंट नंबर होगा, अचर पद होगा, इससे मल्टीप्लाई करो सबसे पहले। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12। ये पहला काम होगा, ये वाला हिस्सा रफ में करना है, अभी क्वेश्चन के साथ नहीं है, साइड बाय साइड करते चलोगे। आगे सॉल्व करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें, तब आप वीडियो में आगे बढ़ें। तो ये आ गया हमारे पास 12। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 12 के गुणनखंड निकालने। दूसरे शब्दों में 12 जिस जिस के टेबल में आता है वो सब यहां पर लिख लो। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12। फिर आते हैं 2 से। 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12। फिर हम करेंगे 3 से। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 12। अब इन तीन को देखना और आगे जो बता रहा हूं उसको देखना। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12। ऊपर के तीन और नीचे की तीन आप देखो, दोनों एक जैसे ही हैं, बस अंतर इतना है कि नंबर आगे पीछे हो गए। तो ये और ये एक जैसे ही हैं, तो एक जैसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये है 1 मल्टीप्लाई 12 और ये है 12 मल्टीप्लाई 1, तो दोनों एक जैसे हैं तो इसकी जरूरत हमें है ही नहीं। ये है 2 मल्टीप्लाई 6 और ये है 6 मल्टीप्लाई 2, दोनों एक जैसे हैं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ये है 3 मल्टीप्लाई 4, ये है 4 मल्टीप्लाई 3, जैसे इसका उल्टा है तो इसको भी लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये जो तीन है इन्हीं का काम है। ठीक हो गया, तो हमें 12 के सारे फैक्टर्स पता लग गए, गुणनखंड पता लग गए। इसके बाद कैसे करना है? अब आप यहां पर देखो कि ये बीच में जो नंबर है वो क्या लिखा है, ये नंबर इसको ध्यान में रखें, 7 है बीच में। अब यहां पर क्या करना है हमने, यहां पर ये जो है चीज है इसमें 12 और 1 है, 12 और 1 का जोड़ा है, इसमें 6 और 2 का जोड़ा है, इसमें 4 और 3 का जोड़ा है। ठीक है,
तो सबसे पहला जोड़ा क्या है आपका, जरा वो देख लेते हैं। पहला जोड़ा 12 और 1 का है। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा, 11, और 12 में अगर 1 जोड़ देते हो तो कितना आएगा, 13। इन दोनों को जरा गौर से देखो क्या आ रहा है। अब अगला जोड़ा लो, अगला है 6 और 2 का। तो 6 को अगर मैं 2 के साथ जोड़ूं तो कितना आएगा, 8। 6 में अगर 2 को घटाऊं तो कितना आएगा, 4। ये देखो आंसर क्या आ रहा है। अगला जोड़ा क्या है हमारे पास, 4 में अगर 3 को जोड़ूं तो कितना आएगा, 7। जरा गौर करो आंसर क्या आया हमारे पास, 7। और यहां पर भी क्या आंसर चाहिए था हमें, 7 चाहिए था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर के जो ये आपने 4 किए हैं इनको करने की आपको जरूरत ही नहीं है। मेन जो चीज है आपके पास क्या आया है, 4 और 3, जो कि दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 7। तो जरा मैं आपको यहां पर समझाऊं कि हमें करना क्या होता है। आपके पास यहां पर संख्याओं के जितने भी जोड़े दिए होते हैं, आप उन जोड़ों को क्या करोगे, एक बार जोड़कर देखो, एक बार घटा के देखो, जोड़कर भी देखो घटा के भी देखो। अगर आप घटाते हो, अगर ये आता है तो आप उसी हिसाब से चलोगे, अगर जोड़ के आता है तो उसी हिसाब से चलोगे। जैसे इस हिस्से में जोड़ के आया तो आगे क्या करोगे, ध्यान से सुनना। तो हमारे पास जो 4 और 3 है, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मुझे 7 आ गया। तो आपके पास ये जो सेंटर है यहां पर भी क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये 4 है इसको तो आप बोलोगे 4x, आपके पास जो 3 है इसको तो बोल दो 3x, और अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, 7x। इसका मतलब ये हो गया कि आप अगले स्टेप में क्या करोगे, ये 7x को हटा दो और ये 12x² वापस लिख दो, माइनस का माइनस लिख दो, इसकी जगह लिख दो क्या लिखा था मैंने नीचे अभी, 4x प्लस 3x, और लास्ट में मेरे पास क्या है, 1 है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी तक ये स्टेप समझ में नहीं आया तो एक बार बैक जाओ और बैक जाकर फिर से इस वीडियो को ढंग से देखो। चलिए अब आगे करते हैं, आगे क्या काम होता है। ये 12x² तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, माइनस, अब अगर ब्रैकेट ओपन करोगे और बाहर है आपके पास माइनस, 4x के आगे यहां पर कौन सा साइन है, प्लस, 3x के आगे कौन सा साइन है, प्लस। तो जैसे ही आप ये ब्रैकेट हटा दोगे तो 4x के आगे आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस, 3x के आगे भी आ जाएगा माइनस, तो ये हो गया माइनस, और लास्ट में आपके पास क्या है, प्लस 1। यहां तक का स्टेप क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो आप बैक जाओ और पूरी वीडियो को फिर से देखो। अब ये जो 12x² है, अब यहां से चीजें जो 8th में पढ़ी है आपने वो चीजें आप लेके चलेंगे, लेकिन मैं उस हिसाब से चल रहा हूं कि बच्चों को अगर नहीं आ रहा है तो कैसे करना है। आप इसको देखो कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4 × 3 × 4 × 3 12 होता है, और x² की जगह लिखो x × x, ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर है माइनस, 4x को लिखोगे 4 × x, फिर यह है माइनस, 3x को लिखोगे 3 × x, फिर है प्लस, और लास्ट में क्या है, 1। अब आपका काम क्या है, इन दोनों में से कॉमन निकालना। कॉमन मतलब जो दोनों में एक जैसी चीज है उसको बाहर निकालना। जरा एक जैसी चीज देखेंगे क्या है, यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 है, यहां पर एक x है तो यहां पर भी एक x है, तो दोनों में चीजें क्या कॉमन है, 4x कॉमन है। तो आप 4x को बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, यहां से 4 और x जा चुका है बाहर, तो क्या बचा आपके पास, एक बचा 3, और साथ में क्या बचा, x। तो यहां से तो सिर्फ 3 और x बचा, माइनस, यहां से 4 और x जा चुका है तो क्या बचा, 0 मत लिख लेना, 1 बचेगा। ठीक हो गया यहां पर, ये पहला वाला स्टेप हो गया। अब यहां पर देखो क्या है, ये माइनस का माइनस मैंने कॉपी कर दिया। अब इन दोनों में देखो क्या चीज कॉमन है, अब कोई चीज तो आपको कॉमन दिखाई नहीं दे रही होगी, तो आप हमेशा याद रखें जब कोई चीज कॉमन नहीं दिख रही है दोनों में तो इसका मतलब 1 है कॉमन, तो आप 1 लगा दें, इन दोनों में से 1 को बाहर निकाल दें। तो फिर ब्रैकेट में कुछ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे ध्यान से समझेंगे आप, इसमें से 1 जा चुका है तो
तो क्या बचा भाई, वन जाएगा तो वही बचेगा जो पहले है, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर क्या है माइनस है, तो इन दोनों के साइन भी आपको बदलने पड़ेंगे क्योंकि आप ब्रैकेट लगा रहे हो। तो 3x के आगे पहले था माइनस, अब 3x के आगे क्या हो गया प्लस, 1 के आगे है प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस, और इसी 1 को वापस लिख दें। तो ध्यान से समझे, मैंने इन दोनों में से कॉमन क्या निकाला है, 1 कॉमन निकाला है, तो 1 निकालने पर इनमें से कुछ भी कम नहीं होगा, इसी को वापस आप उतार दो, और क्योंकि बाहर माइनस है, ये देखो माइनस है, तो इसीलिए दोनों के साइन भी उल्टे कर दोगे, जो साइन यहां थे उसके जस्ट अपोजिट साइन यहां पर लगा दो। इस स्टेप तक पहुंचने के बाद आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो चीज है और ये जो चीज है दोनों एक जैसी होनी चाहिए, इसका मतलब आपने यहां तक सही किया। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, अब देखो इसमें, देखो इसमें और इसमें क्या चीज एक जैसी दिखाई दे रही है, सिंपल सी बात है, दोनों में ब्रैकेट वाली चीज एक जैसी दिखाई दे रही है। ब्रैकेट वाली चीज क्या है, 3x-1 यहां भी है, 3x-1 यहां भी है, तो आप 3x-1 को बाहर निकाल दें, ठीक हो गया, 3x-1 को बाहर निकाल दिया, मतलब ये भी बाहर जा चुका है, ये बाहर जा चुका है, तो क्या बचा आपके पास, 4x बचा, माइनस बचा, 1 बचा, तो आपके पास आंसर आ गया 3x-1, 4x-1। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है 12x² - 7x+1, इसके दो फैक्टर्स निकलने थे, दो गुणनखंड निकलने थे, वो हमने यहाँ पर निकाल दिए। तो इस तरीके से हमने बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4th का जो है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।